नहा धो लिया हूँ तो अभी निकल जाता है, थोड़ा कुछ खा के आते हैं। ये लखनऊ की फेमस वाजपेयी तो एशिया का सबसे लार्जेस्ट पार्क तो इंट्रोड्यूस कर दी, हमारा जो भाई हूँ उनसे भी मीन्स इंट्रोडक्शन लेते हैं। वेलकम बैक टू अवर चैनल आई ट्रेवल बाय हिमेंटी। आज पहुंचा इधर में लखनऊ से 20 किलोमीटर दूर है अभी, और कल जहां से उठा था उधर से 750 किलोमीटर आ गया हूं, और सीन वही है। और इधर पे हमारा टैग, इधर पे भाई है हमारा, और उधर पे जाके चाय पीने जा रहे हैं ना। चलो ठीक है, चलो चलो। कल में से एकदम पूरा अलग अलग सिचुएशन था, 11:30 बजे वो बियर एक आया था, उसके खाने के बाद सो गया उधर पे। मीन्स इधर ये ट्रक क्या होता है कि दो ड्राइवर होता है तो इसलिए मैं एक होता है, एक चलाते रहता है, तो ये सीन होता है। तो गाड़ी देखो मीन्स रास्ता क्रॉस ही नहीं कर पाते। मीन्स हेल्प कर दिया, थैंक यू भाई जी। ये था जावेद भाई और इस तरफ है दिवाकर भाई। चलो ठीक है, चलते हैं। तो ये था ट्रक, इसमें क्या हुआ कि मीन्स कल सुबह मैं जहाँ से उठा था मीन्स वो पेट्रोल पम्प से, कल सुबह जहाँ से उठा था वो वीडियो देखिए कर तो देखिए, उधर से 750 किलोमीटर आया, थोड़ा ज़्यादा ही आएगा। और अभी हूँ लखनऊ के, मेन लखनऊ नहीं पहुँचा हूँ अभी भी, 20 किलोमीटर है मेन लखनऊ के लिए। और सीन ये है कि जैसे मैं लद्दाख जा रहा हूँ, लद्दाख ले लद्दाख इधर से ऑलमोस्ट अभी भी है 1500 किलोमीटर, 1500 किलोमीटर है। उत्तराखंड में घुसूँगा तो उत्तराखंड भी घूमूंगा, तो इसलिए लखनऊ का मीन्स मेरा पहले का जैसे दिल्ली पे था, उधर का एक भाई है मेरा मीन्स बिग ब्रदर एक है इधर पे, तो उनसे बात हुई कल रात और बोला कि तुम आ जाओ इधर पे, 2 दिन रह के जाओ। सीन वही है, तो ऐसे भी धीरे धीरे करके जा रहा हो तो चांस मिला या मौका मिला है तो लखनऊ को भी थोड़ा देख लिया जाए, परख लिया जाए। तो सीन यही है भी, वो लोग लिफ्ट दिया मेरे को, बहुत बहुत हेल्प किया, और मैं बदले में पैसा भी दिया और खाना खिलाने का भी कोशिश किया। अरे तो नहीं नहीं नहीं, क्यों खिला रहे हो, कोई ज़रूरत नहीं, हम खिलाएंगे ना, तुम मेहमान हो मेरा ऐसा। और यूपी वाले बंदे हमेशा दिलदार होते हैं, ये बात हमेशा याद रखना। और उनका भाषा मीन्स हिंदी बोलने का जो तरीका होता है, अंदाज होता है, वो भी बहुत अच्छा। तो अभी इधर से एक जगह है जो लोकेशन दिया है, और ये जगह का नाम है बेहता उत्तर प्रदेश, और मैं जहाँ जा रहा हूँ वो जगह का नाम है चारबाग। तो इधर से 20 किलोमीटर है, लिफ्ट लेकर जाना पड़े, इधर से गाड़ी आ रहा है, तो इधर मैं ऐसे गाड़ी में लिफ्ट मांगूँगा। उस समय जो साई वाई पीने गया था ना, तो वो सब दिखाया नहीं ऐसे ही, तो वो दिखाया नहीं तो सीन ही, और कपड़ा भी चेंज कर लिया, वो गंदा हो गया था, तो ये नया एक मैं साफ एक कपड़ा पहन लिया हूँ। तो सीन ही है, इधर से लिफ्ट मांगते देखते हैं कौन। टाइम है 9:25, तो दिन का पहला हेल्प मिल गया है, जल्दी से मेरा डेस्टिनेशन ऐसा कुछ हुआ। थैंक यू। चलो ठीक है, थैंक यू। 15 किलो थोड़ा बहुत हेल्प किया, और क्यों उठाया पता है, वो भी मीन्स ट्रेवलिंग से रिलेटेड है, क्योंकि मैं हमारे उधर शिलोंग विलोंग मेघालय असम ये सब घुमा हुआ है, सीन वही है। और अभी भी मीन्स 5 किलोमीटर दूर है, थोड़ा अभी पैदल ही जाते हैं और नज़ारे लेते हैं, नज़ारे में देख लेते हैं। और आपको इधर पे लखनऊ पे कुछ नया चीज़ दिखाने का कोशिश करेंगे, खाना पीना रहना सहना और जैसा जगह वगैरह वो सब। और क्या है कि मैं जैसे जा रहा हूँ ना लद्दाख, तो चेकिंग करके जा रहा हूँ, तो लखनऊ होके ही जाना पड़ता है, तो लखनऊ रास्ते पे आता है, ऐसा नहीं कि मैं उतर के लखनऊ के लिए अलग से जा रहा हूँ, ऐसा नहीं है कि लखनऊ के लिए अलग से जाना पड़ता है, लखनऊ रास्ते पे ही आता है। इसलिए एक मौका मिला है कि आ जाओ, कोई मसला नहीं है, टेंशन नहीं है, तो इसलिए जा रहे हैं। और क्या तो पे फिर से लिफ्ट मांगते हैं, रुको, फिर से मिल गया हेल्प, मीन्स जल्दी से मिल जाता है, इधर इतना टाइम नहीं लगता है, 10-15 मिनट में मिल जाता है। तो अभी मीन्स मेन लखनऊ पे हूँ, देखो अभी थोड़ा मीन्स ऐसा लग रहा है कि सिटी बड़े सिटी पे हूँ, ये उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा शहर है। हाँ, मैं सोच रहा हूँ कि क्राउड फंडिंग कर लेता हूँ, थोड़ा मीन्स कॉन्टेंट बनेगा या मार्केट वो दिखा लेता हूँ, लेकिन अभी मीन्स बहुत सुबह है, फिर बार नहीं होगा, ये बोला ऐसे बोला, उसी ने ही है मेन चीज़ बोलना भूल ही गया, ये है कैपिटल ऑफ उत्तर प्रदेश, कैपिटल ऑफ उत्तर प्रदेश लखनऊ है। तो ऐसा रास्ता है, बैग और ये इधर पे मुंह धोया था, तो इसके कारण मीन्स मैं अभी सीधा होस के पास ही जा रहा हूँ, और देखते हैं। और जो भाई के पास जा रहा हूँ उनसे पूछेंगे, और अच्छा सा मीन्स वो जगह वगैरह ढूँढे। तो क्राउड फंडिंग होता है कि जो फुटबॉल से स्किल दिखा के मैं डोनेशन लेता हूँ, उसको इंग्लिश में कहता है क्राउड फंडिंग। और सीन वही है, अभी एक लोकेशन दिया है रेलवे स्टेशन, उधर पे जा रहा हूँ, वो आएगा लेने के लिए मेरे को।
इतना गर्मी होना 35 डिग्री सेल्सियस हो रहा है और इधर से 1.8 किलोमीटर था मीन्स वो रिलेशन के लिए, लेकिन मैं अभी नहीं जाने रहा हूँ। कॉल किया कि बोला तुम जहाँ हो वहीं पर रहो, मैं आ रहा हूँ। तो उस भाई का नाम है मुकद्दस भाई, आने दो मिलवाते हैं, ठीक है। ये सीन है इधर का। तो फाइनली आ गया हमारा मुकद्दस भाई, ये रहा भाई। तो अभी जा रहे हैं भाई का घर, देखते हैं क्या होता है। गर्मी बहुत है ना इधर पे एकदम, 45 ऐसा चल जाता है। नहा धो लिया हूँ तो अभी निकल जाता है, थोड़ा कुछ खा के आते हैं। अभी बज गया है 11:41। ये लखनऊ का सबसे भीड़ भाड़ वाला का इलाका है, भीड़ भाड़ इलाका है ये वाला। अभी नहा धो के मैं ऐसे ही निकल गया हूँ, एक्सीडेंट क्या होता है देखते जाओ। तो ये है मीन्स लखनऊ का सबसे फेमस पूरी, वाजपेयी पूरी, और 1975 से है ये। तो अभी खाते हैं, टेस्ट करते हैं, सीन ये है। ये लखनऊ की फेमस वाजपेयी पूरी वालों की पूरी है ये, जैसे कि आप देख सकते हैं। चलो तो ये सीन है, ये एक बार लेके देख पे मैं दिखाऊं कि हेलमेट वेलमेट नहीं होता है। तो भाई इधर पे डबल हेलमेट का सिस्टम नहीं होता है क्या? फिलहाल तो डबल हेलमेट का सिस्टम नहीं है, लेकिन सिंगल इज कंपलसरी। बट वो एक वही बात है, अगर पुलिस है तो लगा लो, नहीं है तो नीचे रखा हुआ है। नीचे देखो, ये रहा। खाना वाना खा के मैं शॉपिंग मॉल इधर से थोड़ा आया है ठंडा एसी का हवा खाने के लिए, और दिखाएंगे जगह वगैरह। आज तो इतना हो नहीं पाएगा, लेकिन जितना हो सके वो सीन है। इस मॉल का नाम क्या है? ये लखनऊ का सेकंड मॉल है। पहला मॉल था वेव, सन 2003 में ओपन हुआ है। ये नवंबर 2005 में ओपन हुआ है। इसका नाम है सहारागंज मॉल, सहारा श्री सुब्रतो राय जी का। और जो इंडिया का सबसे बड़ा मॉल है इधर पे, इंडिया का जो सबसे बड़ा मॉल पहले डीएलएफ था, अभी जो है हमारे होने वाला है वो लुलु मॉल है, इंडिया का सबसे बड़ा मॉल। उसके बाद फिर यही लुलु मॉल अपने जो इनका जो गृह क्षेत्र होम टाउन वहाँ बनवा रहे हैं केरल में, वो एशिया का सबसे बड़ा मॉल। अभी निकल रहे हैं, ऐसा कुछ प्रोडक्ट दिखाया नहीं, मीन्स दिखाने का मन भी नहीं था, तो अभी निकल रहे इधर से। तो ऐसे ही गया और थोड़ा ऐसा ही सीन। तो ये है रास्ता इधर का। तो अभी इधर से निकल गया, ये था मॉल एक्चुअली, ये वाला। ये लखनऊ में भी हाई लेवल सोसाइटी का ये एरिया है। क्या नाम है, क्या नाम बोला? हजरतगंज। ये तो मेरे बैक साइड देखो ना, क्या बढ़िया रास्ता है। अभी हम लोग ये गोमती नदी क्रॉस करेंगे, ये गोमती पुल पे हम चढ़ रहे हैं। यहाँ पे दबंग की शूटिंग हुई थी, दबंग टू की शूटिंग यहीं पे हुई थी। ये देखो नजारे, सिटी लाइफ। इनसे ब्रदर का ऑफिस में आया हूँ, इधर पे थोड़ा रेस्ट लेते हैं, ठीक है चलो। अभी निकल गया हूँ भाई का ऑफिस से, अभी एक बढ़िया सा जगह जा रहा हूँ। ये सारे रास्ते देखो ना, इतना बढ़िया सा पेड़ वेर है, तो ऐसा वाला रास्ते में अच्छा लगता है। जैसे हमारे रेलवे का दो पार्ट होता है ना, जैसे नॉर्दर्न रेलवे और नॉर्थ ईस्टर्न रेलवे। तो इधर में से लखनऊ में ये खासियत क्या है कि इसमें दो रेलवे नेटवर्क है, है ना? क्या चीज़ है जी, आप दोनों रेलवे नेटवर्क हमारे यहाँ मौजूद है, नॉर्दर्न रेलवे और नॉर्थ ईस्टर्न रेलवे, जो कि छोटी लाइन और बड़ी लाइन ही बोली जाती है। और इसका एक बहुत पुराना इतिहास है कि गांधी जी और नेहरू जी दोनों एक साथ जब मिले तो उनकी पहली मुलाकात 1903 में हुई थी, तो यही रेलवे स्टेशन लखनऊ में थी। ये था इंफॉर्मेशन थोड़ा बहुत। तो ऐसा ये सब मीन्स मैं वीडियो में देना चाहता हूँ, तो ऐसे बहुत दे दिया। अभी जा रहा हूँ एशिया का सबसे बड़ा पार्क इधर पे है, तो चलो लेट्स गो। तो वो उधर पे ही मीन्स पार्क है, वो बड़ा सा फ्लैग देख रहे हो ना, इंडियन फ्लैग, तो उधर पे पार्क है। तो फाइनली आके पहुँच गया, ये हो गया जनेश्वर मिश्रा पार्क, एशिया का सबसे बड़ा पार्क है ये। मैं अभी अंदर जाऊँगा, ठीक है। और ये है मीन्स ये बड़ा सा, ये देख रहे हो ना, ये एंट्रेंस है, मेन गेट है। एशिया का सबसे बड़ा पार्क उत्तर प्रदेश पे है, लखनऊ पे है ये वाला। तो ये वाला पार्क है देखो, तो कितना बढ़िया सा इधर पे मीन्स साफ सुथरा है, नीट एंड क्लीन। ये सराउंडिंग ये वाला।
कितने का टिकट लिया? टिकट 10 रुपये पर पर्सन। बढ़िया। तो एंट्रेंस होते ही, एंट्री होते ही ये सीन दिखाई पड़ता है, एक टैंक है बड़ा सा टैंक, क्या आप जा सकते हो फ्री ऑफ कॉस्ट? क्या भाई कैसे फ्री ऑफ कॉस्ट होगा? तो वाले पे मीन्स 300 लेता है, पूरा 6 किलोमीटर ऐसे घुमाता है। और यही है मीन्स एशिया का सबसे बड़ा आपका पार्क है ये, और वो भी इंडिया पे है, और इंडिया के उत्तर प्रदेश लखनऊ पे है। इस पे भी बहुत चलते थे पहले, जनेश्वर मिश्रा, यही होगा वो मछली। देखो इधर पे, तो ये सीन है इधर पे, पूरा पानी पानी कर दिया है पार्क का। तो एशिया का सबसे लार्जेस्ट पार्क तो इंट्रोड्यूस कर दी, हमारा जो भाई हूँ उनसे भी मीन्स इंट्रोडक्शन लेते हैं। तो भाई थोड़ा बहुत शॉर्ट फॉर्म में क्या क्या जी, मेरे बारे में क्या बताया जाए, बस छोटे से मुलाजिम हम भी हैं। हाँ। रोटी चटनी के लिए हम भी जद्दोजहद कर रहे हैं। हाँ। कि बस खर्चा पानी चलता रहे हमारा भी, बस जिंदगी कट रही है, और क्या भाई लोग हैं बस ये सपोर्ट वगैरह करें तो होता रहेगा, फिर काम चलता रहेगा हमारा। और हम लोग ऐसे मुलाकात हुए थे आपका दिल्ली पे, हाँ, रूम में थे तो उस समय क्या था, लॉकडाउन था, तो आप लोग सब तो फैमिली के साथ थे, लेकिन हमारा फैमिली यही सब थे, बिल्कुल, और दिन और तीन साल थे तो वही सब हमारे फैमिली थे। और लॉकडाउन में हम मीन्स एक दूसरे का मीन्स बात कर कैसे गुजारा था 2 महीने, कुछ ऐसा है ना, बिल्कुल सही बात। तो उस समय भी इनसे सीन बता दो थोड़ा। अरे वो तो मत पूछो। और अच्छी बात ये हुई कि फिर रमजान पड़ गया। अच्छा रमजान क्या पड़ गया, सारे रोजदार, तो भाई ने हमारा जो है पूरा साथ दिया रोजा रखने में। इनसे हम लोग बोलते रहते थे कि आप पानी पी लो खा लो, तो बोला नहीं, जब तक आप अपना रोजा जो है नहीं तोड़ोगे तब तक हम भी कुछ नहीं करेंगे। वही वही भाई हमारे साथ अफ्तार वगैरह बनवाता था, हमारे साथ प्रॉपर रोजा रखता था, रोजा करता भी। अच्छा ईद हम लोगों ने साथ में मनाई, उसके नेक्स्ट डे फिर सबको निकलना था अपने अपने घर, लेकिन भाई को लेट हो गया। हाँ। क्योंकि इनकी ट्रेन का इशू था थोड़ा सा, तो ये 10 दिन बाद गए हैं। 2020 का बात है ये। हाँ, 2020 की। चलो ठीक है, ये हुआ छोटा सा इंट्रोडक्शन, पार्क के बारे में तो बता ही दिया। यही था पार्क, 376 एकड़ का है ये बड़ा सा पार्क, और बड़ा होने के कारण लोग मीन्स बहुत कम दिखाई पड़ते हैं, कहीं इस तरफ 2 इस तरफ 3 ऐसे। नहीं नहीं, एक्चुअली थोड़ा सा रीजन ये भी है क्योंकि एक गर्मी बहुत ज्यादा है। हाँ। दूसरी बात थोड़ा सा त्योहार का ही मसला है, अभी जब 2 दिन बाद ईद हो जाएगी तो आप भीड़ देखेंगे, ईद वाले दिन आप खाली भीड़ देखेंगे यहाँ पे। हाँ। बहुत भीड़ होगी। एकदम खेलने का एकदम बड़ा सा प्लेग्राउंड है, तो बच्चे बन जाते हैं। इधर पे गाना बज रहा है, देखो चिंचक चिंचक चिंचक। तो ये रहा मैं एक्चुअल मैप, ये पार्क का इतना बड़ा पार्क है, फाउंटेन वाउंटेन ये सब है। हो गया, अभी इधर से निकल रहा हूँ, 440 ऐसा कुछ हुआ है, तो इसमें इस्टेब्लिश हुआ है देखो ये वाला मार्च 2013 ये था पार्क। चलो होके आ गया, बहुत साफ है मीन्स एनवायरमेंट इधर में। इधर पे इसको बोलते हैं शिकंजी, क्या है शिकंजी है क्या है? तो इसको बोलते हैं शिकंजी। लाइफ में से ये पहली बार है शिकंजी विकंजी ये सब पिया नहीं। नमक नमक आपका सोडा, और ये जो नींबू जैसा टेस्ट आता है, सॉल्टी टेस्ट रहे। अभी जा रहे हैं मेन सिटर पे, तो इसको इंग्लिश में कहते हैं लेमोनेड, तो ने बोला है एक हिस्टोरिक सिटी है। ओ भाई क्या सीन दिख रहा है कैमरा पे। ये जो मार्केट देख रहे हो बैक की तरफ मीन्स ये सबसे ओल्डेस्ट मार्केट है लखनऊ का, तो बहुत तरह तरह के चीज़ें मिलता है इधर, लोगों का भीड़ है। अभी मीन्स रुक नहीं रहा हूँ दिखाने के लिए, सिर्फ आप देखते जाइए। अभी पहुँचा है इधर, मुकद्दस भाई का घर पे आ गया हूँ, और इफ्तारी का समय हो गया है। सो अभी खाना वाना खा के निकल गया हूँ, और ये ऐसा जगह है, रात का बज रहा है अभी 7:30, और अभी ऐसे निकल के उनके कुछ दो चाय उनके साथ बातें बातें की,
कुछ कुछ खाए, बहुत कुछ खाया, वो दिखाया नहीं। अभी फेमस इधर का मीन्स एक आइटम है इधर का, तो वो खाने के लिए इधर आ पहुँचे है, ये दुकान है एक्चुअली, और अभी खा रहे हैं कबाब पराठा। और फाइनली अभी रूम पे आके पहुंचा हूँ। ये मेरा रूम है एक्चुअली, ये मेरे को रूम लेके दिया है क्योंकि मीन्स उनका घर में मीन्स थोड़ा स्पेस कम है, तो देखो ना मेरे को बताया भी नहीं, मैं तेरे लिए रूम लेके रखा हूँ। तो कितना मार्केट वर्केट खाना वाना बहुत खाया, थोड़ा बहुत ही दिखाया लेकिन ज़्यादातर नहीं दिखाया, और एक जगह पे ही गया था लेकिन ये मोबाइल की वजह से या लाइट वाइट नहीं था अच्छा, तो इसलिए मैं वीडियो नहीं किया इतना। और ईद की वजह से पूरा भीड़ है, और यही सीन है आज का, यही मीन्स ये इधर पे सोएंगे और कपड़ा वपड़ा धोएंगे अभी, ये कपड़ा वपड़ा है। यही है आज का वीडियो में, उस समय जो गया था, अभी आगे पहुँचा हूँ, 12 बज रहा है अभी। और आप लोग हो सके तो नोटिफिकेशन बेल का ऑल आइकन ऑल करके रखना, तो पता चलेगा कि मैं जब वीडियो डालता हूँ। तो अभी सोते हैं, ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वाले वीडियो पे, ठीक है, आज के लिए इतना ही।